जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो पाकिस्तान का फ़ख्र है। मोहम्मद वसीम ने माल्टा में मुनक़द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन WBF में की रैंकिंग फ़ाइट में जॉर्जिया के बॉक्सर को शिकस्त दी और ये वॉन द गेम माशाल्लाह से, जो कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग की दुनिया में एक अहम कामयाबी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद वसीम द ग्रेट बॉक्सर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वसीम, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो और पाकिस्तान को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा ये बताएं कि आपने वैसे तो बहुत सारे मुकाबले जीते हैं, इस दफ़ा की जीत के बारे में ज़रा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नो लाइक अच्छा लगा और आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जो है 2.5 ईयर्स के बाद मैंने कमबैक किया और मतलब जितना लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं इतनी अच्छी मेरी परफॉर्मेंस होगी और अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हुआ है, तो इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह परफॉर्मेंस अच्छी करके इंशाल्लाह और पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े टाइटल जीतेंगे। नहीं माशाल्लाह से आपने बड़ा ज़बरदस्त इस दफ़ा की परफॉर्मेंस थी, वो क्या चीज़ थी जो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट जिसने किया और वो कितनी मेहनत थी जिसकी जिसके बाद आपने ये विन विन सिचुएशन हासिल की? देखिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग तो मैं अपना कंटिन्यू ही रखता हूँ और जहाँ पर भी जाता हूँ अपना ट्रेनिंग मैं नहीं छोड़ता और कोशिश करता हूँ कि अपने प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपना प्रॉपर डाइट को कंटिन्यू करूँ और अपने स्पोर्ट्स को फोकस करूँ। तो ये चीज़ है, जैसे 2.5 ईयर्स जो है अगर आप कम बैक करते हो और आप अपने आप को फिट रखते हो तो एक बड़ी बात है। मोस्टली जो फाइटर्स होते हैं वो आफ्टर 1 ईयर जो है अगर उनमें गैप आ जाए तो वो आई थिंक रिटायर ही हो जाते हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एंड ऑफ मैंने जो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा और अपने आप को फिट रखा उससे मुझे बहुत अच्छी मतलब मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी और मैं फील भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था और यही चीज़ है, यही चीज़ मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने आप को कंटिन्यू ट्रेनिंग में रखूं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखूं और मेन चीज़ है मेरी डाइट और मैं उस पर कंप्रोमाइज नहीं करता, तो ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी विन है। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट होती है आपको या खुद से ही सब कुछ कर रहे होते हैं? देखिए ना इस गवर्नमेंट में तो काफ़ी अच्छा, इन्होंने बहुत ज़्यादा एथलीट्स को जो है सपोर्ट किया। आप देखेंगे अरशद नदीम जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, तो इनसे बड़ी तवक्को है इंशाल्लाह और बात चल रही है और मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप की मेरी फ़ाइट है वो पाकिस्तान में कराऊँ, तो ये गवर्नमेंट जो है स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही, तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरी फ़ाइट है उसको भी यहाँ पे प्रमोट करे और ये वर्ल्ड टाइटल यहाँ पे पाकिस्तान में हो और इंशाल्लाह पूरी दुनिया से जितने टॉप क्लास के बॉक्सर हैं उनको लेके आओ। अच्छा आपका ताल्लुक क्वेटा से है, बलूचिस्तान क्वेटा से, तो ये बताइएगा कि वहाँ पर कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और हैं तो वहाँ पर किस तरह से रन कर रहे हैं? देखिए ट्रेनिंग सेंटर्स क्वेटा में बहुत ज़्यादा है, बहुत आई थिंक मुझे बलूचिस्तान में मोर देन 100 बॉक्सिंग जिम्स है जो प्राइवेट लोगों ने खुद ही बनाए हैं, तो वो यहाँ पे बॉक्सिंग का टैलेंट भी सबसे ज़्यादा है, दो स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा खेले जाते हैं वहाँ पे क्वेटा में, एक फुटबॉल और एक बॉक्सिंग, तो बॉक्सिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैलेंट भी क्वेटा, तो यहाँ के जो टैलेंट है यहाँ के जो फाइटर्स हैं किस टाइम वो पाकिस्तान में क्या वो साउथ एशिया में सबसे बेस्ट फाइटर्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कि वापस आने के बाद आपका जो इस्तकबाल हुआ उससे आप मुतमईन हैं? जी हाँ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का, सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का और जो है
जितने भी हमारे जो है स्पोर्ट्स के बलूचिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के लोग हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और अप्रिशिएट किया। तो ये इस चीज़ से तो एथलीट को कुछ मिलता तो नहीं, लेकिन मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। लेकिन जब आप वहां से जीतते हैं तो वहां पर तो इनामात तो होते हैं ना? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इनाम जी बिल्कुल होते हैं। और मैं दुनिया के सबसे बड़े प्रमोशन में हूँ, साइंड हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। आप शायद आप ये देख रहे होंगे कि मेरी जो ट्रेनिंग कैंप है वो लिवरपूल स्कॉटलैंड में होती है। तो जो हमारी प्रमोशन है, पहले हमारी प्रमोशन थी जो है वन ग्रुप ऑफ माल्टा, अब एक और हमने मैनेजमेंट कंपनी है, क्रिस ग्लोवा, एक बहुत बड़ा प्रमोटर है यूके का। आजकल उसके साथ साइन रिसेंटली मैंने 3 से 2 दिन पहले मैंने उनके साथ साइन की है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तरह के हैं कि वो बॉक्सिंग को सपोर्ट करते हैं, और ख़ासकर यूके और अमेरिका के जो प्रमोटर्स हैं अच्छा जी, अच्छा ये बताइएगा मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है? जी। बस मुस्तकबिल की यही प्लान्स है। कल हम सीएम बलूचिस्तान से मुलाकात हुई है, उनके साथ ये चीज़ डिस्कस की है कि मैं चाहता हूँ कि आप वर्ल्ड टाइटल फाइट जो है लेके आऊँ। तो उन्होंने यकीन दिलाई है कि आप आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा और ये पूरी इवेंट को हम जो है कवर करेंगे। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे शो में आए और पार्टिसिपेट किया। अच्छा,